अच्छा हमको सिखा रिया है पेट्रोल खत्म पेट्रोल मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है सो गाइस देख सकते हैं आप ये असली नेचर है और हमें ना कभी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इंस्टाग्राम स्टार हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए भाई दो मिनट बस अभी बंद कर दे मारने जाना उसको बंद कर दे अभी तो गाइस देख सकते हैं पर कितने सारे गड्ढे हैं ओ भाई पुष्पा 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 राह में झुकेगा नहीं सो गाइस अभी हम बहुत लंबा ट्रेवल कर चुके हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं हम शायद रास्ता भटक चुके हैं और हमें किसी से हेल्प लेनी होगी एक्सक्यूज मी मैम गजब बेइज्जती है तो हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं और हमें इसी घने जंगल के अंदर यहाँ का रास्ता बिल्कुल ही खराब हुआ पड़ा है और अभी हमें ऐसे ही रास्ते से और आगे तक जाना होगा महाकाल की जय हमें इस नदी को पार करके जाना होगा और ये बहुत ज्यादा गहरी लग रही है इतनी साफ है इसी तरह हमें प्राणी ने हमें और शायद यहाँ पे भैया की गाड़ी अटक गई है और भैया को हमारी हेल्प की जरूरत है भैया आपकी हेल्प कर दें अबे अपना काम कर मना कर दिया चलो रहने दो A few moments later. So guys, हम अपने मंजिल के बहुत ही करीब हैं और देख सकते हैं यहाँ पर घना जंगल भाई बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का हमें बस ऐसे ही चलते रहना होगा अभी सो गाइज देख सकते हैं हमें वहाँ जाना है अभी यस वहीं जाना है हमें और हमें ऐसे ही जंगलों के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा थक तो बहुत गए हैं Few inches later. वैष्णो देवी जा रहे हैं ना अपन भाई अगर कोई कैमरा पकड़ लो मेरे को भी चलता हुआ दिखा दो 12 seconds later. ये हम झाड़ी के अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं अबे सांप ढूंढो सांप 3 days later. तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है हमें जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ रहा है बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर बस 3 weeks later. भाई कितना किलोमीटर बाकी है मैं कितना दूर बाकी है Many months later. इस पथरीले रास्ते पर चल चल कर मेरी हालत ख़राब हो गई है और वहाँ जाकर तो सबसे पहले मैं नहाना पसंद करूँगा और भाई क्या बताऊँ क्या हालत हो गई है One eternity later. Finally, हम अपने चरम सीमा में पहुँचने ही वाले हैं अरे भाई भाई रुक जा आराम से नाइस बस कुछ देर और बस आ ही चुकी है इसके पीछे ही है 2000 years later. तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और मैं सही बता रहा हूँ मेरा तो मेरा गांड फट गया भाई ये यही है वो जो हम देखने आ रहे थे तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है और भाई साहब बहुत यहाँ पर पानी के कट्स बने हुए हैं
और ये पानी सिर्फ बरसात के टाइम पे आता है ऊपर से और नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, वो ऊपर से आता है पानी, और इतना भाई क्या बताऊँ मैं, सामने से कुछ अलग ही व्यू देखने मिलता है। देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा ऊंचा है, और भाई सामने से तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने मिलता है। मतलब कितना ऊंचा है और कितना ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर आना, लेकिन फिर भी आना तो था। सो गाइस, सामान पैक हो चुका है और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस, हमारा ब्लॉग यहीं तक था। अब हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, घर अपने वापस जा रहे हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए